अजमेर के शास्त्री नगर स्थित दृष्टि बाधित लाठी घर में राजस्थानी और हिंदी फिल्मों के डायरेक्टर महावीर कुमार पहुंचे। इस दौरान उन्होंने दृष्टि बाधित बालिकाओं से मुलाकात कर उनकी हौसला अफजाई की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि दृष्टि बाधित बच्चियों को आशीर्वाद देकर महाराजा कृष्णानंद जी बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और उनकी देखरेख के साथ ही शिक्षण की जिम्मेदारी उन्होंने ली है, जो सरकार से भी बेहतर है। इस दौरान उन्होंने कहा कि राजस्थान के कोटा में टाइगर ऑफ राजस्थान फिल्म बना रहे हैं और यह बालिकाओं पर ही आधारित है। इस फिल्म में धर्मेंद्र जी, रणजीत नासिर खान जैसे बड़े स्टार शामिल होंगे, जिसकी शूटिंग जल्द ही शुरू होगी। शूटिंग के बाद सभी कलाकार लाडली घर पहुंचेंगे और बच्चों से मुलाकात भी करेंगे। उन्होंने कहा कि वह राजस्थानी के साथ साथ हिंदी फिल्में भी बड़ी संख्या में बना चुके हैं। सबसे पहले तो मैं महाराज जी को अपना प्रणाम करता हूँ, साष्टांग करता हूँ कि इन्होंने मुझे इस काम के लिए चुना और ये सब बच्चियों को देख के दिल हृदय गदगद हो गया। और महाराज जी को 3-4 महीने से मैं संपर्क में हूँ और इन बच्चियों के लिए एक फिल्म बनाने के लिए जो हमारी बात चली थी, तो ये मैंने अपनी तैयारी कर रखी है और आज महाराज जी से जैसे बात हुई है तो इन बच्चियों को देखा, ये परिवार को देखा, यहाँ के लोगों को देखा, ये लोग कितना बड़ा काम कर रहे हैं, मैं तो दंग रह गया कि अपनी बेटियों को लोग नहीं पढ़ा सकते और महाराज जी इतना बड़ा काम कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा काम है दुनिया का, जो हर आदमी नहीं कर सकता और पता नहीं भगवान की शक्ति महाराज जी में है जो इन्होंने इतना बड़ा काम किया है। और हम महाराज जी की सेवा में हमेशा जिंदगी भर जब तक ये शरीर रहेगा हम उनकी सेवा में रहेंगे। और मेरी फिल्म टाइगर ऑफ राजस्थान अभी 12 मार्च से हम कोटा में शूटिंग कर रहे हैं, जिसमें बड़े बड़े आर्टिस्ट आ रहे हैं, धर्म जी आ रहे हैं, रंजीत आ रहे हैं, गोविंद नामदेव है, नासिर खान है, बाहुबली के जो एक्टर्स वो भी आ रहे हैं, तो और अपने दियावाती के अंदर भावोथी वो भी आ रही हैं, नसबली फेम के अपने अरविंद कुमार आ रहे हैं। तो हम लोग वो सारी शूटिंग वहाँ से कंप्लीट करके हमारी पूरी यूनिट यहाँ महाराज जी के यहाँ आएगी और हम ये जितना समय हमें को यहाँ लगेगा हम महाराज जी को देंगे। और ये लाडली जो बच्चियों के लिए महाराज जी ने जो काम किया है और ये बच्चियाँ जितनी तकलीफ पाती है कि ये पैदा होकर के जब अपने घर में अपने माँ बाप के सामने जब ये जब पता लगता है कि ये बच्चियाँ ब्लाइंड है और जब वो परिवार भी एक सकते में आ जाता है, उन बच्चियों के लिए महाराज जी ने जो कदम उठाया है हम उनके लिए ये फिल्म बना रहे हैं और बहुत ही इसमें बड़े बड़े आर्टिस्ट आएंगे। और आज बच्चियों को देखा, उन्होंने स्वागत किया, आंखों में पानी आ गया, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे ये काम पहले क्यों नहीं कर देना था, लेकिन वही है कि समय अब आया है तो महाराज जी की प्रेरणा से ये बहुत ही ज़रूरी है कि जल्दी से जल्दी काम हो। क्या इस फिल्म में बताएंगे कि एक बच्ची जब पैदा होके आती है तो जब उसके माँ बाप को पता लगता कि वो ब्लाइंड है लड़की, तो उन माँ बाप पे क्या गुजरती होगी, वो कैसे पढ़ाए, कहाँ पढ़ाए, ऐसी कोई सरकारी संस्थाएं भी बहुत कम है। सरकार अभी आप अजमेर में भी देखो, आप जहाँ देखो वहाँ आपको स्कूलें मिलेगी मगर ब्लाइंड की स्कूलें बच्चों की नहीं मिलेगी। तो ये तो सरकार की भी बहुत कम जगह ऐसी है जो सरकार भी करती हैं और प्राइवेट संस्था ज़्यादा करती है। तो हम ये दिखाएंगे कि बच्ची क्या नहीं कर सकती, एक महिला शक्ति क्या नहीं कर सकती, एक बच्ची ब्लाइंड होकर के भी अफसर बनती है, हमारे यहाँ की कलेक्टर भी बन जाती है। हमने देखा ऐसे ऐसे बड़े बड़े शहरों में देखा कि पढ़ के बच्चियाँ बहुत आगे जाती है। तो हम ये दिखाएंगे कि बच्ची पैदा होने से लेकर के कहाँ तक जा सकती है, ये सब चीज़ें उसमें दिखाएंगे। इसके अलावा सर और आपने कौन कौन सी पिक्चरें बनाई हैं? मैं अपने प्रसिद्ध केसी बोकाड़िया का आपने नाम सुना होगा, उनके साथ में मैं सन 1982 से हूँ, प्यार झुकता नहीं से उनके साथ में काम किया। उनके साथ में मैंने कम से कम 50 हिंदी फिल्में बनाई हैं, उनके साथ में रहा हूँ, उन्हीं की गॉड विशेष रही है। इसके अतिरिक्त मैंने दूसरी कंपनियाँ भी की है और अभी हमारी लास्ट डर्टी पॉलिटिक्स भी हमने की है,
उसके बाद हमने तेरी मेहरबानियाँ पार्ट टू की है, वो तमिल तेलुगू और उसमें है। इसके अलावा हमने अपने राजस्थान के सुपरस्टार अरविंद कुमार है, उनकी सारी फिल्में मैंने मेरे द्वारा बनी हुई है, जिसमें हिवड़े से दूर मत जा, राजू बन गया MLA और राजू राठौड़, और एक हीरोगिरी, और अभी हम बना रहे हैं टाइगर ऑफ राजस्थान। जो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है और वो सिस्टम, उसको नौकरी नहीं मिलती है, वो एक सिस्टम में फंस जाता है, और उसके साथ में एंड क्या होता है, ये सब चीज़ हम उसमें दिखा रहे हैं। समाज को लेकर, समाज को लेके यही कहूँगा कि हमारा समाज बहुत सभ्य है, ऐसी बच्चियों पे ध्यान देना चाहिए। हर माँ बाप की भी जिम्मेदारी नहीं है, मोहल्ले की आती है, मोहल्ले के बाद में गांव की आती है, और गांव के बाद में वहाँ के जो गांव के बड़े बड़े लोग हैं उनकी भी आती है, कि ऐसे बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए अपना पूरा योगदान देना चाहिए। जी नमस्कार, आज लाडली घर के प्रांगण में हमारे प्रसिद्ध फिल्मी जगत से श्रीमान महावीर जी, प्रोड्यूसर एवं डायरेक्टर जो हैं, उनका आगमन हुआ। कुछ विगत महीनों से हम लोग संपर्क में थे। हम लोग चाह रहे थे कि जो दृष्टिहीन या दृष्टिबाधित बच्चियाँ होती हैं, उनका दुख, उनकी तकलीफ को हम कैसे प्रस्तुत कर सकें, और वो हाई एजुकेशन पा कर के किस तरह अचीवमेंट कर लेती हैं, इन कुछ बिंदुओं पे हम लोगों ने चर्चा की थी। तो आपने अपने उदार मन और उदार हृदय से इस पर स्वीकृति प्रदान की, और आपने कहा कि अवश्य दृष्टिबाधित जगत में इस तरह का कार्य होना अच्छा है, और शायद बहुत जल्दी एक अच्छी फिल्म बनेगी जिसमें दृष्टिहीन बच्चियों का समस्याओं के साथ साथ उनको अवसर देना और आगे लाने के लिए इसमें काम